नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल करुड़ेश एग्रीकल्चर में आपका फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत ही अच्छी किस फसल के बारे में, बीन्स की खेती कैसे करें और खेत की तैयारी कैसे करें बीन्स की, और उसमें खाद कौन सा डालें। तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को इसी प्रकार की मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत कैसे करें, बीन्स की खेत की तैयारी के बारे में। तो किसान भाइयों, बीन्स की खेती करने से पहले खेत में मौजूद पुरानी फसल के को पूरी तरह से नष्ट कर दें। इसके लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत में खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाती है। खेत में खाद को मिलाने के बाद उसमें पानी लगाकर प्लेव कर दिया जाता है। पानी भरकर और प्लेव के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत की नम भूमि में रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है, जिससे किसान भाइयों खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। इसमें भूमि में जल भराव नहीं होता है। किसान भाई, रासायनिक खाद के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम 60 किलोग्राम डीएपी की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करें। इसके बाद 25 केजी यूरिया की मात्रा का छिड़काव पौधे सिंचाई के साथ करना होता है। इसके उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। किसान भाई, बात करेंगे बीन्स की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले बीन्स की अच्छी पैदावार के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बीन्स की खेती के लिए जल निकासी वाली ज़मीन अच्छी मानी जाती है, जिसकी इसकी खेती के भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होना चाहिए। बीन्स का पौधा समतिसोन जलवायु वाला होता है। ठंड में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं और गिरने वाले पाले को अब भी आसानी से सहन कर लेते हैं। अधिक गर्म जलवायु इसके पौधे के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती है और ना ही इन्हें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी फसल को 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। बीन्स के पौधे को विकास करने के लिए 30 डिग्री तापमान उचित होता है। बीन्स एक दलहनी फसल है, इसकी वजह से यह भूमि में वायुमंडल नाइट्रोजन का संचयन करती है, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ती है और बाद की फसल को नाइट्रोजन का लागन बहुत ही अच्छा प्राप्त होता, जो हमारी वो फसल भी अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।